तो कैसे हो भाई लोग, तो आ गया हूँ मैं नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि नॉर्मल मैच को कैसे खेल सकते हो, इसमें मैं हार्डकोर के बारे में बताने वाला हूँ कि हार्डकोर को मैच को कैसे आप इजी वे से जीत सकते हो। सिंपल से आपको टिप्स लेनी है मेरे से और बड़े आराम से आप जीत पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले गन स्मिथ पर जाना है। गन स्मिथ पर आपको दो गन्स का अटैचमेंट लगाना है, SKS का आप अटैचमेंट लगा लेना। एक ही आपको इधर अटैचमेंट देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग इंडोरेंस वाला, उसको आपको यूज़ कर लेना है। इसका दो गन का अटैचमेंट लगा लेना, तो वही दो गन आपको उधर यूज़ करनी है। अब यहाँ से बात नहीं खत्म होती, वीडियो बंद मत कर देना, क्योंकि आगे जाके भी सभी मैं प्रो टिप देने वाला हूँ कि कैसे आप इजी वे से आप इस मैच को बहुत मतलब इजी वे से आप जीत सक। इतना गन का ये जो गन है ना, प्लस अटैचमेंट लगी है, प्लस तीन गुना इसका मैं कैसे डैमेज बढ़ाने वाला हूँ। तो भाई वो वीडियो मतलब पूरी ये वीडियो ज़रूर देखना, सबकी सभी आपको मिल जाएगा। अगर स्नाइपर यूज़ करना चाहते हैं शॉटगन, बट शॉटगन से पहले मैं SKS का प्रेफर दूंगा। दो आप अटैचमेंट लगा लेना। तो चलिए जल्दी से हम मैच स्टार्ट कर लेते हैं। आपको इसका क्लास का तो पता ही होगा कि जैसे जैसे आप लेवल पार करते जाओगे आपका ये खुलता जाएगा, तो जो आपको चाहिए वो ले लेना। इसका कुछ ज़्यादा सीन नहीं है, मेले वेपन कोई भी जो आप यूज़ कर सकते हो। तो जल्दी से भाई मैच का हाईलाइट, मैंने जो पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग इसका हाईलाइट बताया। सबसे पहले आप मैच स्टार्ट करते हो तो 500 आपका कॉइन होता है, तो जल्दी से जल्दी जो आप विंडो को आप बिल्ड करके जहाँ से पॉइंट जो गेन कर सकते हैं, साथ में अगर जोम्बीज भी आ रहे हैं तो उनको भी मार के आपको एटलीस्ट 700 या फिर इससे 1000 का टारगेट लो, कि यहाँ से हमें जल्दी से जल्दी जितने भी पॉइंट है वहाँ से मिल जाएं। तो मैंने काट दी है वीडियो, आगे जाकर मेरा 1000 हो गया था, फर्स्ट वेव हो गई थी कंप्लीट, तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट। और जहाँ से मेरे टीममेट ने 700 खर्च दिए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम क्यों अपने खर्च हैं भाई। तो यहाँ पर जाए गाइज, आपको एक काम करना है, ये वाली मशीन जो है ना, इसको खोलने के लिए आपको 3-4 इधर इसकी इक्विपमेंट चाबियां देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर है, इसको मैंने उठा लिया, और एक इधर उधर पड़ी होगी, ये देखिए इधर है। इसकी कोई फिजिक जो फिक्स पोजीशन नहीं होती, आप ढूंढ लेना, आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे कि मेरे को मिल रही है, आसानी से देखने को मिल रहा है कि यहाँ से इक्विपमेंट मेरे को मिल रहे हैं। अब उसी जो गन आपको यूज़ करोगे SKS, उसका डैमेज हमें बढ़ाना है वो वाली मशीन पर जाके। अब देखिए यहाँ से भी मेरे को पिक करने के लिए बोल रहा है, पर यहाँ पर कुछ नहीं है, बट मेरे को मिल गया है। तो भाई यहाँ पर मैंने 3-4 चाबियाँ मतलब इक्विपमेंट यूज़ कर ले हैं, और ये जो गन यूज़ कर रहे हैं, ये गन आपको कहाँ मिलेगी? ये गन आपको यहाँ पर एक क्रेट पड़ी होगी, वहाँ पर जाकर, ये वाली क्रेट है, यहाँ पर जाकर आपको ये वाली गन देखने को मिलेगी। तो ये गन आपको यहाँ ही देखने को मिलेगी, ये देखिए स्लो मोशन में मैंने बता दिया, ये गन इधर ही पड़ी है, कहीं और नहीं पड़ी होती है। तो भाई ये गन मेरे को तो नहीं मिली, बैड लक था, क्योंकि वो आपका लक है कि आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। तो अदरवाइज़ मैं अपनी जो गन है, मेरे 3000 कॉइन हो गए थे, तो मैंने SKS यूज़ कर ली है। अब इसका डैमेज देखिए भाई, इसका डैमेज दूसरों से अलग कैसे है, ये देखिए। दो शॉट में मतलब एक ही शॉट लगता है, तो भाई बंदा मतलब जोम्बिस, ये देखिए ये सबसे हैवी वाला जोम्बिस होता है, क्योंकि इसको मशीन वाले को मारना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कितनी इजी वे से मैंने इसको मार दिया है। अभी तक ये मशीन ऑन नहीं हुई, क्योंकि मेरी तीनों की तीनों चाबियां नहीं लगी है। मेरे टीममेट के पास एक चाबी होगी, अभी मेरे 5000 हो गए थे, मैंने दूसरी भी गन भी, दोनों के दोनों मैंने SKS यूज़ की है, ठीक है। और साथ में आप इसको भी यूज़ कर लेना, राइट, कि क्या पता इधर कोई गन वो वाली मिल जाए जो बलून सी फोड़ती है। तो भाई ये इसका भी फ़ायदा है, ये वाली वेंडिंग मशीन का, तो इसके आपको जब जोम्बिस आपको मारने वाले होंगे तो इसको यूज़ कर लेना, वो आपको नहीं मारेंगे। तो अभी अभी ये फिक्स का आ गया है, कि मेरे टीममेट ने जो एक चाबी उसके पास थी उसने फिक्स कर दिया है, इसका मैंने डैमेज दुगना बढ़ा दिया, इसका डैमेज दुगना बढ़ गया है, जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड मतलब दोनों की गन के मैंने यूज़ कर लिए हैं। तो मेरे लगे थे 3000 लगे थे या 2000, तो उसको मैंने बढ़ा दिया है डैमेज इसका काफ़ी। तो जो तीन चाबियों में तीनों नहीं लगी थी, एक चाबी टीममेट के पास थी, तो उसने बोला टीममेट ने आपका जो इक्विपमेंट इधर डाल दिया था और मेरे को एडवांटेज मिल गया। तो मैंने यहाँ से
इधर दुगना कर दिया है, जो लेफ्ट हैंड साइड की गन है इसका डैमेज दुगना कर दिया। रीलोडिंग स्पीड भी मैंने काफ़ी इंक्रीज कर दिया, देख सकते हो कितना डैमेज, मतलब दो तीन बुलेट में मैं कैसे मार रहा हूँ इतनी जल्दी से, तो देख सकते हो कितना डैमेज दुगना मतलब मिल रहा है इनको। तो ये देखे जो जो मशीन वाले वो भी कैसे मर रहे हैं। अभी फिर से मैंने इसको इक्वली दोनों को डबल डबल डैमेज दे दिया है। अभी देख सकते हो कितना ज़्यादा डैमेज देखने को मिल रहा है। तो भाई ऐसे ही आपको करना है, चाहे जो कितना भी बड़ा ज़ॉम्बीज आ जाए ना, तो भाई ये गन आपको कभी भी निराशा नहीं देगी। आपका डैमेज बढ़ेगा जब आप ये वाली गन और साथ में ये वाली मशीन का यूज़ करोगे। तो भाई मारते जाना, जैसे जैसे आपके पॉइंट बढ़ते जाएंगे, अभी 6000 पर जाएगा, फिर मैं इसको 3 गुना डैमेज बढ़ा दूंगा इसी गन का। तो भाई इसकी गन का क्या होता है कि डैमेज काफ़ी बढ़ जाता है। तो एक और काम कर सकते हो आप, इधर जाके आप रीलोडिंग का स्पीड और भी इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ पर ये ड्रिंक पीकर, क्योंकि दोगुना दोनों के दोनों SMG मेरी दुगना मतलब डैमेज हो गया है। प्लस मैंने इस पर रीलोडिंग डाल दी है, ये देखिए यही था मेन कॉम्बो, मैंने 3 गुना कर दिया था, मैंने स्किप किया वीडियो, 3 गुना डैमेज बढ़ा दिया है मैंने, प्लस रीलोडिंग स्पीड बढ़ा दी है। अभी राउंड 12 हो गए हैं, अभी मेरे को बॉस से मतलब फाइट करनी है, तो बॉस से पहले सब कुछ कर लेना, अपना आर्मर जो भी है सभी यूज़ कर लेना। अभी देख सकते हो विद इन, मैं बोलूँ कि 1 मिनट के अंदर हमने इस इतने बड़े ज़ॉम्बीज को मार दिया। भाई बहुत कम टाइम लगा, क्योंकि इतना डैमेज मिल रहा था ना इसको कि मारने में मज़ा आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बंदा नॉक नहीं हुआ, कोई भी हमने रिवाइव यूज़ नहीं किया, सभी के सभी जो हैं बड़े आराम से हमने, देखिए 30,000 तक डैमेज जा रहा है, अभी देख सकते हो 3,000 तक जा रहा है सॉरी। तो भाई ये देखिए कितनी आसानी से हमने इस ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है। तो भाई सभी के सभी प्रो टिप मैंने बताई दी, तो ये रिवार्ड है मेरे को मिले हैं। तो इसी के साथ 3 मेरे को 6 रिवाइव के रिवार्ड मिल गए हैं, तो MVP प्लेयर बनाऊँ, ऐसे ही एंडलेस का होगा। तो भाई यही मेथड उधर भी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तो जाते हैं।